हाय के साथ आज के व्लॉग का स्टार्टिंग करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज बहुत कुछ है, आज थोड़ा सा बाजार भी जाना है और घर का काम भी है। तो आज देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, जो भी करेंगे आपसे शेयर करते जाएंगे। फ्रेंड्स, फेरी जो है वो मॉर्निंग वॉक करके आ चुकी है और बहुत प्यासी है और पानी पी रही है। देख लीजिए, फेरो मॉर्निंग वॉक हो गया, वॉकी वॉकी हो गया, वॉकी वॉकी हो गया फेरू का। अब फेरी रेस्ट करेगी और साथ में हम लोग चाय भी पियेंगे। जेम्मा जेम्मा, चाय खावें तो चले आसुन। तो बस चाय पी के फिर आपसे मिलते हैं नाश्ते पर। तो बस आज नाश्ता और खाने की तैयारी साथ में ही है, क्योंकि आज बाजार भी निकलना है और कुछ परसों जो घर में पूजा है उसके लिए कुछ बाइंग करना है। तो ये जो प्याज टमाटर और लहसुन की प्यूरी है ये मैं डालती हूँ। और इसके साथ ही ये बन रहा है पेनी पास्ता। तो पेनी पास्ता बनाने के लिए पास्ता को अलग से बॉईल नहीं करना पड़ता। और ये इसमें गया नमक, और इसमें गया ये रेड चिली, इसमें जाएगा ये पार्सले और ओरिगैनो का मिक्सचर है तो ये जाएगा। फिर इसमें जाएगा एक चम्मच बटर। जब थोड़ा 2 मिनट ये सारा मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम पेनी पास्ता डाल देंगे बिना उबला हुआ। बॉईल नहीं करना पड़ता है, इसे ऐसे ही पकाना पड़ता है। तो ये जो ग्रेवी है ये बॉईल हो चुका है। तो इस ग्रेवी में हम पेनी पास्ता डालेंगे। एक्चुअली इसके साथ ही ये बॉईल हो जाता है, उसे थोड़ा उबल जाए तो वापिस। अब पास्ता में थोड़ा सा दूध डाल देंगे। देखिए पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और बस इसमें दूध जो है, थोड़ा सा दूध का मलाई अगर हो तो बहुत अच्छा है। मैंने दूध डाला है, इसमें आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोजरेला या प्रोसेस्ड या ब्लॉक चीज़, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक ही डाल रही हूँ, ऊपर से मैं बाद में डालूंगी। तो ये चावल रेडी है, सब्जी रेडी है, पास्ता रेडी है, ये सब्जी रेडी है। तो आज लंच और ब्रेकफास्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब सारे दिन का बस फ्रीडम ही है। तो अब आप लोग आना तो खाना आ जाना मेरे घर, जो आसपास वाले हैं सब आ जाए। बहुत अच्छी बच्ची हुई है और यहाँ पे आदित्य को देखिए, इतने अच्छे पोजीशन में लेटा हुआ है। स्कूल इसीलिए पढ़ाई और कर रही है। ये है मेरी प्यारी, सर पे मैंने मेहंदी लगाया है, अब मैं जाती हूँ मेहंदी वेहंदी धो के मैं रेडी होंगी। फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग सम इवनिंग टी। आज अभी फेरी को खाना खिलाऊंगी। आज फेरी का तबीयत सारा दिन एकदम खराब था तो उसे बस थोड़ा सा खाना खा लूँ। आज का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, स्काई तो बहुत सुंदर लग रहा है। आज तो पहाड़ों जैसा मौसम लग रहा है कलकत्ता में भी। तो हाय फ्रेंड्स, अभी चाय भी हम लोग पी रहे हैं और चाय पीने के बाद बस मैं निकलूंगी, थोड़ा मार्केटिंग के लिए जाऊंगी, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करूंगी। आदित्य, तुम रीडिंग कर लिया? हाँ। रिवाइज कर लिया? हिस्ट्री और फिर रिवाइज किया? ज्योग्राफी कर लिया, हिस्ट्री बाकी है। और उसके बाद अभी तुम जिम्मा के साथ बैठ के ना मैथ्स करेगा। जिम्मा चाय पी रही है, जिम्मा चाय पी लेगी तो उसके बाद तुमको मैथ्स कराएगी। एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। नो, तू मेरा पैसा खर्चा कराएगा और ज्यादा। हाँ ठीक है।
तो मैंने कहा मम्मा ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सारा सामान तुमको ढोना पड़ेगा, फर्स्ट यू प्रॉमिस मी। ओके, यू विल कैरी ऑल द थिंग्स। तो गाइस आदित्य इज प्रॉमिसिंग मी, तो गाइस आदित्य इज प्रॉमिसिंग मी ही विल कैरी ऑल द थिंग्स। हम लोग आपको दिखाएंगे हम कैरी करते कि नहीं। हाय गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डू माय हेयर कट विद माय मॉम एंड देन वी विल कम बैक। नाउ इट्स 7:20 एंड वी विल गो 7:45 इन द मार्केट एंड आई विल ट्राई टू बाय समथिंग फॉर मी एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू मार्केट देयर इज अ बिग पूजा एंड ही विल कैरी ऑल द थिंग्स, ही प्रॉमिस मी ही विल कैरी ऑल द थिंग्स एंड देयर इज अ बिग पूजा इन आवर हाउस एट वेडनेसडे। यस, व्हाट पूजा? दैट इज सत्यनारायण पूजा। Yes, so we will enjoy. Guys, my haircut is done. Now we are going to market tomorrow morning to buy the puja stuffs and me also buy some things. So I've shown you, I will show you some clips on the outside. मैं मार्केट करके आ चुकी हूँ, तो 50% तो मार्केटिंग हो गई है एक्चुअली पूजा की, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है, वो बाकी का कल करेंगे। तो आज ये सब लेके सारा दिन बहुत टायर्ड हो गया। आज फैरी का भी तबीयत बहुत अच्छा नहीं था, तो आज थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि उसका वो उछलती रहती है तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जब वो शांत पड़ जाती है तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे गया सारा दिन। तो मेरा आज का ब्लॉग सब पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए प्लीज़। थैंक यू for watching and good night.